आपको मंथली 80,000 से 90,000 तक सैलरी मिल सकती है और 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। दोस्तों, 12th हम सबके करियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 12th में मेनली दो तरह की कैटेगरीज पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, पहला पीसीएम, दूसरा पीसीबी। जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में इंजीनियर, सोल्जर और नेवी में बनना चाहते हैं वो पीसीएम चूज करते हैं, और जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में डॉक्टर और अदर पैरामेडिकल्स जॉब में जाना चाहते हैं वो पीसीबी चूज करते हैं। दोस्तों, आज हम टॉप 5 पीसीबी कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप बहुत ही अच्छा कैरियर ग्रोथ कर सकते हो, इसके साथ साथ आप अच्छा यर्न भी कर सकते हो। तो क्या है वो टॉप 5 कोर्सेज, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। टॉप 5 पे है नर्सिंग। दोस्तों, नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि पेशेंट का ख्याल कैसे रखना है, पेशेंट के बिहेवियर और उसके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के बारे में आपको डॉक्टर को अपडेट देना होता है। आप एंट्रेंस के थ्रू ANM और GNM कोर्स में नर्सिंग कर सकते हो, और आप फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल में नर्स हेल्थ वर्कर बन सकते हो, जिसमें आप स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 40,000 तक हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 पे आता है बी फार्मा और बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें आपको मेडिसिन को कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर, इसके यूज़ के बारे में सिखाया जाता है, और आप किसी भी स्टेट एंट्रेंस से बी फार्मेसी और डी फार्मेसी कर सकते हो। दोस्तों, बी फार्मा करने के बाद आप फ्यूचर में एनालिटिक केमिस्ट्री, हॉस्पिटल फार्मेसी, रिसर्चर, फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 25 से 35,000 तक सैलरी मिलती है, और जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको 5 साल के बाद ये सैलरी कुछ 60,000 से 80,000 तक मिलती है। फार्मेसी के बाद नंबर 3 पे आता है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जो आज के टाइम पे एक बहुत ही डिमांडिंग और ग्रोइंग कोर्स है। दोस्तों, फिजियोथेरेपी में आपको बिना मेडिसिन के बीमारी कैसे ठीक किया जाता है वो सिखाया जाता है, मतलब इसमें बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज के द्वारा पेशेंट का दर्द को दूर किया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी MBBS नहीं हुई और आप डॉक्टर बनने का सपना रह गया तो आप BPT करके पेशेंट को सर्व कर सकते हो, जो भी एक डॉक्टर लेवल का ही कोर्स है। इसमें बिना MBBS किए आपको डॉक्टर जैसे ही सम्मान और आदर मिलता है, तो फिर जरा सोचिए ये कितना अच्छा कोर्स है। फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स है और 6 महीने की कंपलसरी इंटेंसिव, और आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन कर सकते हो। इसमें आप फ्यूचर में चीफ फिजियोथेरापिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट और लेक्चर भी बन सकते हो। इसके साथ साथ आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, जहां पर आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 40,000 तक होती है, और 5 साल के बाद 60,000 से 80,000 तक हो सकती है। बाकी सब PCB कोर्स के मुकाबले इसमें जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे आता है BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। दोस्तों, ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आप नीट के थ्रू एडमिशन कर सकते हो। इसमें आपको हमारे दांत के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब इसको कैसे हेल्दी और हाइजीन रखना है, और दांत के बीमारी को कैसे इलाज करना है। BDS करने के बाद आप डेंटिस्ट, रिसर्चर और लेक्चर हो सकते हो, जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 35,000 तक मिलती है। इसके अलावा आप खुद का क्लिनिक करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो। BDS के अलावा और दो पॉपुलर कोर्स हैं BHMS, मतलब बैचलर्स ऑफ होम्योथेरेपी मेडिसिन एंड सर्जरी, और BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इन दोनों कोर्स के एडमिशन नेट के थ्रू होता है, और ये दो 4 साल का कोर्स है। BHMS में आपको होम्योपैथी मेडिसिन से सर्जरी के बारे में सिखाया जाता है, और BAMS में आयुर्वेदा मेडिसिन के सर्जरी के बारे में सिखाया जाता है। दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग सैलरी कुछ 35,000 से 50,000 तक हो सकती है।
और इस सीरियल के पहले नंबर पे आता है MBBS, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। दोस्तों, मैक्सिमम बायोलॉजी स्टूडेंट का सपना ये होता है कि डॉक्टर बनना। दोस्तों, MBBS करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का टैग लगाया जाता है। MBBS मेडिकल फील्ड के अंदर सबसे टॉप लेवल का कोर्स है। दोस्तों, अगर आप MBBS करने के बाद डॉक्टर और सर्जन बनते हो तो आपको मंथली 80,000 से 90,000 तक सैलरी मिल सकती है और 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में। दोस्तों, MBBS एडमिशन करने के लिए आपको नीट और एम्स में अच्छा रैंक लाना होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट PCB कोर्स जो आप 12th के बाद कर सकते हो और अपने लाइफ को एक बेटर अप्रोच दे सकते हो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।